जारी कर दिए हैं। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, 80 पैसे प्रति लीटर दाम बढ़े। आज दिल्ली में डीजल जो है 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। अब पेट्रोल का रेट यहाँ पर 101 रुपए प्रति लीटर हो चुका है दिल्ली में, और डीजल का दाम भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। लगातार ये पेट्रोल डीजल के दाम दिल्ली में बढ़ रहा है, और डीजल का दाम 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम दिल्ली में आज बढ़े हैं, इसको लेकर तेल कंपनियों ने अपने दाम जो है वो जारी कर दिए हैं। लगातार यहाँ पर तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है, और ऐसे में यहाँ पर आम जनता त्राहिमाम कर रही है। तो लगातार ये दाम की जो बढ़ोतरी है पेट्रोल डीजल के दाम की, वो अब लोगों के जीवन पर काफी असर डाल रही है। लगातार 8वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़े हैं, और ऐसे में दिल्ली का अगर पेट्रोल का रेट देखें तो 101 रुपए के पार, और इसी के साथ डीजल का दाम 92 रुपए के पार पहुंच चुका है। तो देखिए किस दिन कितने दाम बढ़े। 22 मार्च को 80 पैसे, 22, 23, 25 मार्च को 80 पैसे बढ़ाए गए यहाँ पर डीजल पेट्रोल में। 26, 27, 28 मार्च को देखिए 26 को 80 पैसे बढ़े, और इसी के साथ अब 29 मार्च को देखिए तो 80 पैसे, और 30 मार्च यानी कि आज का दिन भी 80 पैसों की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। 9 दिनों में 8 बार दाम बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के लगातार। 22 मार्च से दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दामों से बढ़ रही यहाँ पर महंगाई भी आए दिन, और इसी के साथ आम जनता इससे परेशान है। 9 दिनों में 5 रुपए 60 पैसे महंगा हो चुका है पेट्रोल, और अगर डीजल देखें तो डीजल भी 5 रुपए 35 पैसे 9 दिनों में महंगा हो चुका है। और दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए प्रति लीटर हो चुका है, यानी कि वहां पर 100 का आंकड़ा पार कर लिया है पेट्रोल ने। दिल्ली में डीजल 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। लखनऊ में पेट्रोल 100 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, और लखनऊ का अगर डीजल का दाम देखें तो 92 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर लखनऊ में डीजल का दाम है। तो 9 दिनों में 8 बार यहाँ पर बढ़े दाम। आर बोलो नहीं, सब चीज तो ये पेट्रोल का, ये पेट्रोल का दाम से तो सब चीज रेट तो बढ़ रहा है। हम लोग तो जो चीज आने जा रहा है सब महंगा, जो चीज आ रहा है जो पे गाड़ी नहीं होगा तो नहीं आ रहा है, इसलिए तो महंगा हो रहा है। हम लोग क्या करेगा, पेट्रोल थोड़ा सस्ता होता तो हर चीज सस्ता हो जाता। बहुत थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है, जो है वो तो जायज चीज चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, जो चल रहा है वो सही चल रहा है। क्या कहना क्या चाहेंगे, अगर जैसे आप भी पेट्रोल डलवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है जेब के ऊपर, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अग्री हैं आप लोग? ओके। बहुत असर पड़ने वाला है सर, ये आम आदमी पे बहुत बड़ा महंगाई चल रही है। अब इसको ये कह रहे हैं कि ये सरकार कुछ करें इनके लिए, ताकि हमारा जो है ये कुछ कम हो पेट्रोल का भाव। बस सर यही कहना चाहेंगे सर, पहले तो पूरा टंकी फुल करा रहे थे, अब तो 100-100 करके डलवाना पड़ रहा है महंगाई के चक्रों में। ये पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी का दौर जो है वो जारी है। 9 दिनों में 8वीं बार आज पेट्रोल जो है और डीजल महंगा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज भी 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में अगर पेट्रोल की बात करें तो 100 रुपये के पार जा चुका है। इस वक्त दिल्ली में पेट्रोल जो है 101 रुपये प्रति लीटर और 92.27 पैसे प्रति लीटर डीजल जो है वो इस वक्त बिक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से कच्चे तेल के या क्रूड ऑयल कहा जाए उसके दाम में बढ़ोतरी हुई है, उसका असर अब भारतीय बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले 9 नवंबर की बात करें तो 5 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार की तरफ से 5 रुपये वैट जो है पेट्रोल डीजल के दाम पर कम किया गया था। उसके बाद अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने यहाँ भी टैक्स को कम किया था और पेट्रोल डीजल के प्राइस जो हैं वो कम हुए थे। लेकिन उसके बावजूद अब जब से उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुआ है, उसके बाद से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में 22 मार्च से बढ़ोतरी शुरू हुई है। 9 दिनों में 8 बार बढ़ोतरी हो चुकी है और 5 रुपये 60 पैसा पेट्रोल जो है वो महंगा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे पेट्रोल डीजल भरवाने हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। भाई पेट्रोल डीजल के दाम में जिस तरह से अंकल बढ़ोतरी हो रही है, कैसे देखते हैं आप? पर डे हो रही है सर यहाँ पे पेट्रोल की डीजल की, से 80 पैसे डेली बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो कितना असर आपके खर्चे पर होता होगा, क्योंकि लगातार इस तरह से महंगाई बढ़ी है, इसका असर दूसरी चीज़ों के ऊपर भी होता है? हाँ सर बिल्कुल असर तो होगा ही सर, जब महंगाई होगी तो बिल्कुल। साफ तौर पे लोगों में भी थोड़ी सी निराशा है जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से बात की जाए तो लगातार कई केंद्रीय मंत्रियों का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है उससे क्रूड ऑयल की मार्केट पे असर पड़ा है, और $125 प्रति बैरल के हिसाब से जो है इस वक्त क्रूड ऑयल बिक रहा है, उसका असर साफ तौर पे सीधा भारतीय बाजार में पड़ रहा है। और यही वजह है कि भारतीय बाजारों में बीते 9 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में उछाल हुआ है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध समस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।
वाराणसी में लगातार बढ़ते डीजल पेट्रोल एलपीजी की कीमतों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन हुआ। रसोई गैस सिलेंडर से जलाया कोयले वाला चूल्हा, यहां पर चूल्हे पर बनाया खाना। सरकार से महंगाई पर नियंत्रण करने की गुहार लगाई गई। पेट्रोल डीजल के मूल में वृद्धि वापस लो, डीजल के मूल में वृद्धि वापस लो, पेट्रोल डीजल के मूल में वृद्धि वापस लो, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, पेट्रोल डीजल में वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, पेट्रोल डीजल के मूल में वृद्धि वापस लो, डीजल के मूल में वृद्धि वापस लो, पेट्रोल डीजल के मूल में वृद्धि वापस लो, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक महंगाई पर रोक लगाओ, पेट्रोल डीजल में वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। अब भारतीय सड़कों पर भी जल्द ही हाइड्रोजन कारें फर्राटा मारते दिखने वाली हैं। वह प्रतीक्षित पहली हाइड्रोजन कार भारत में अपना सफर शुरू कर चुकी है।